गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल ऑफ फोर्स कार्ड सिस्टम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो फोर्स कार्ड सिस्टम में सपोज कीजिए एक हॉर्स कार्ड सिस्टम है। ये है एक हॉर्स, ये डॉग ज़्यादा लग रहा है हॉर्स के मुकाबले, लेकिन ये हॉर्स है और ये है एक कार्ट। और इस कार्ट पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि हॉर्स को अपने हंटर से हर्ट कर रहा है, उसको मार रहा है। तो जो हॉर्स है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उसको पीछे से फोर्स बढ़ रही है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है और सेकंड लॉ भी अप्लाई हो रहा है। सो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है विद अ फोर्स ऑफ F1। सो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जरूर होता है। तो अगर ये एक F1 फोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो जो एक कार्ट है ये भी एक पीछे की तरफ F2 फोर्स लगा रही होगी। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि F1 और जो F2 मतलब एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स है वो एक ही होंगे। तो अगर ये फोर्स एक ही होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ये फोर्स, तो जो ये F1 जो ये कार्ट है, जो ये हॉर्स कार्ट सिस्टम है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में ये देखते हैं कि जो हॉर्स कार्ट सिस्टम है आगे की तरफ बढ़ता है, जो ये हॉर्स है इस कार्ट को पुल करता आगे की तरफ। सही क्यों होता है? ये होता है क्योंकि न्यूटन सेड एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन कि हर एक्शन का एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जरूर होता है। लेकिन न्यूटन ने ये कभी भी नहीं कहा कि जो एक्शन और रिएक्शन है, कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ये न्यूटन ने कभी भी नहीं कहा। सो एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट कैंसल ईच अदर, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लेकिन न्यूटन सर ने ये कभी भी नहीं कहा कि एक्शन और जो रिएक्शन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें जो ये एक्शन मैं इस साइड मान रहा हूँ, एक्शन ये लग रहा है और रिएक्शन यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सामने बे को प्रॉब्लम अराइज होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, ये नोट कर लेना आप। और जो ये वाली स्टेटमेंट है आप इसे नोट कर ले, ये इम्पोर्टेंट है। सो हमारे सामने प्रॉब्लम अराइज ये होती है कि सपोज कीजिए एक बॉक्स है जिसका जो मास है वो है m और वो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। सो राइट साइड से एक पर्सन आके उस ब्लॉक को F1 फोर्स से पुश करता है। और एग्जैक्ट टाइम एक और पर्सन आके एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो फर्स्ट पर्सन था वो फर्स्ट पर्सन के अपोजिट डायरेक्शन में आके उस ब्लॉक को सेम फोर्स F2 से
पुश करता है। सो इसमें जो F1 है और F2 है, इस वाले केस में वो सिमिलर है। सो ये अनबैलेंस फोर्स हो गई, तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस पर फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन ये इसी स्टेट में रहेगा। लेकिन न्यूटन ने कहा था कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो ये एक्शन लग रहा है F1 और रिएक्शन लग रहा है F2, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं कैंसिल आउट? ये कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं? ये कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक्शन है, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन वो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन टुक प्लेस इन वन बॉडी, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन वो एक ही बॉडी पे लग रहा है। इसमें एक्शन भी इसी बॉडी पे लग रहा है, ग्लोक वाले M1 पे, और जो रिएक्शन है वो भी M पे ही लग रहा है। सो ये एक दूसरे को तब कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जो एक्शन है वो लग रहा है, एक्शन जो लग रहा है, एक्शन टुक प्लेस ऑन द कार्ट, एक्शन कार्ट पे लग रहा है, और जो रिएक्शन है वो लग रहा है इस हॉर्स पे पीछे की तरफ, और जो एक्शन है वो लग रहा है फॉरवर्ड कार्ट पे आगे की तरफ। सो इसमें एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन टुक प्लेस इन टू डिफरेंट बॉडीज, बिकॉज कॉज एक्शन एंड रिएक्शन टुक प्लेस इन डिफरेंट बॉडीज, बिकॉज इस वाले में जो एक्शन और रिएक्शन वो एक अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। इसमें एक्शन लग रहा है कार्ट पे, रिएक्शन लग रहा है हॉर्स पे, लेकिन इसमें जो एक्शन और रिएक्शन है वो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। सो इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस वाले को नोट कर लेना, इसकी वजह से इसमें जो एक्शन और रिएक्शन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। सपोज कीजिए कि एक पेन है, मैं इसमें यहाँ पे एक्शन लगा रहा हूँ, तो इसका रिएक्शन भी मिल रहा होगा। यहाँ पे मैंने इसको एक्शन लगाया, इसको एक्शन लगा था, इसका रिएक्शन मेरे को मिल रहा होगा। लेकिन मेरे एक्शन लगाने से इसका रिएक्शन जो लगा उससे ये आगे तो बढ़ा, ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक्शन लगाया आगे की तरफ बढ़ा, इसका रिएक्शन मेरे 8 पे आया। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हुए। लेकिन अगर अब मैं, क्योंकि जो इसमें एक्शन था वो लगा इस वाले इस पेन पे, और जो रिएक्शन था वो लगा मेरे हैंड पे, लेकिन जब मैं एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे डाल दूँ, वो भी एक सेम फोर्स है। अगर मैंने सपोज कीजिए ये 5 न्यूटन का मैंने इस पर फोर्स लगा, ये 15 न्यूटन का है, तो देखिए ये एक, तो ये जो ये वाला हाथ है, ये वाला हैंड, ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा, लेकिन दोनों में मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। सो जो एक्शन है वो इस बॉडी पे भी लगा और रिएक्शन भी इसी बॉडी पे लगा। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए यहाँ पे इस कार्ट पे फ्रिक्शन आ जाए, और जो फ्रिक्शन है वो बड़ा हो जाए F1 से, तो जो ये कार्ट है मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन इसमें कम है, फ्रिक्शन है ही नहीं इसमें, लेकिन अगर जहाँ फ्रिक्शन आ जाए
और फ्रिक्शन जो इस F1 से बड़ा हो, तो एक तो इसमें जो एक्शन है वो भी इस पे लग रहा होगा, जो रिएक्शन है फ्रिक्शन का वो भी इसी पे लग रहा होगा। तो ये वह कार्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो ये फ्रिक्शन है ये बहुत कम हो या फिर F1 से स्मॉल हो, सो कार मूव करेगी, लेकिन इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस लग जाएगा। तो इस कार का जो एक्सलरेशन होगा फिर होगा F1 माइनस फ्रिक्शन जो F है अपॉन में मास ऑफ द कार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।